हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत बॉट नेक बनाना बताएंगे, जिसके लिए बुकरम ले ली है। ये देखिए, अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। तो हम 4 इंच गले की चौड़ाई ले रहे हैं और लेंथ में हम इसे 4 इंच लेंगे, यानी कि 4x4 का हम गला रख रहे हैं बॉट नेक में। इससे ज़्यादा आप ना रखें, क्योंकि ये हमारा जो गला है बॉट नेक में परफेक्ट है। अगर आप हेल्दी हैं तो आधा इंच बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ से हम 1 इंच के बराबर रख के और ऐसे गोलाई दे देंगे बॉट नेक की, ये देखिए। और इसको हम आपको मोतियों से बनाना बताएंगे, वो भी आप देखना पूरी वीडियो। तो यहाँ से 1 इंच की गोलाई है। अब 1 इंच का हम यहाँ से मार्जिन रख के जो हमारी एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसको हम यहाँ से निकाल देंगे पूरी को। तो देखिए, पहले जो हमारी सामने से है इसको निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो अंदर वाली है इसको निकाल देंगे। और जैसा हम ये वाला गला कटिंग कर रहे हैं, सेम हमें जो बैक गला होगा, क्योंकि जो बॉट नेक में होते हैं वो सेम गले कटते हैं। चाहे तो थोड़ा बहुत फ़र्क रख सकती हैं, लेकिन जो ये बैक गला है वो, ये देखिए, इसको हमने प्रेस से चिपका लिया है, क्योंकि जो परफेक्ट है ये बैक 4 इंच का जो गला होता है वो बैक के लिए और फ्रंट के लिए परफेक्ट होता है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो पूरे कपड़े को हम इस तरीके से, देखिए, यहाँ से फोल्ड कर देंगे ऐसे। जितना भी हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा, हमने आधा आधा इंच के बराबर रखा है। अगर आपकी बुकरम है तो आप उससे प्रेस से सिलाई लगा के और फिर इस एक्स्ट्रा कपड़े को सिलें। तो हम पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। और मेरा कविता टॉप नाम से चैनल है, प्लीज़ आप जब मेरे इस चैनल को खोलोगे तो उसका भी आपको मेरा दिख जाएगा, मतलब कि मेरा चैनल का जो आइकन है वो दिख जाएगा। वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट मेरे चैनल पे जा सकते हो। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब सेंटर कर लेंगे, इसका सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और एक छोटा सा कट भी लगा देंगे। सेम आपको कुर्ती में भी करना है अपनी में। तो देखिए, ये हमारी कुर्ती है, कुर्ती को बराबर कर लेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे, क्योंकि हमने इस पर प्रेस से एक लाइन बनाई हुई है ताकि हमें सेंटर का पता रहे। अब इसको जो हमारा गला है उसको हम उल्टी साइड को रख देंगे, ऐसे उल्टा करके गले को रख रहे हैं और फिर हम इसे उल्टी साइड को पलट देंगे। सीधी साइड को उल्टा करके रखा है गले को। वैसे जो मेरा ये कपड़ा है ये दोनों साइड से सेम है, मतलब कि इसमें उल्टे सीधे का कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपका कपड़ा प्रिंट वाला है तो आप उल्टा सीधा देख के ही रखें। अब पूरा हमने सिल दिया है। अब इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, पूरे कपड़े को हम यहाँ से कटिंग करके और इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, और फिर उसके बाद इसको हम उल्टी साइड को फोल्ड करके और एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे, और फिर बाद में हम इसके ऊपर अंदर वाली साइड को तुरपाई कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से पूरे कपड़े को मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए, हमने पूरा कपड़ा इस तरीके से मोड़ लिया है। अब हम ऐसे किनारी पे सिलाई लगा देंगे। बाद में आप ये सिलाई निकाल सकते हो, जब आपकी तुरपाई हो जाए तो बाद में ये निकाल सकते हो। ये रफ सिलाई, और वैसे भी जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं उसमें ये सिलाई हमारी पूरी ढक जाएगी। हो सके तो हमें तुरपाई की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि हमारा जो वो डिज़ाइन होगा वो अंदर से स्टिच हो के आएगा, तो हमारा ये जो तुरपाई वाला एरिया है वो भी कवर हो जाएगा उसी के साथ। तो देखिए, हमने पूरे गले को अच्छे से तैयार कर लिया है, आप देख सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है, 2 इंच इसकी लेंथ है, और जो हमने इस पट्टी की लंबाई ली है वो हमने गले से करीबन 2 इंच ज़्यादा ली है। गले से ऐसे राउंड नाप लें। अब देखिए, इसको हम करीबन ऐसे सिलेंगे, मतलब जितना बड़ा आपका मोती है उस हिसाब से आपको डोरी की तरह इसको सिलाई लगानी है। ये देखिए, इसको हम करीबन आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई लगा रही हैं ऐसे, और हमें ये पूरी ही पट्टी पे लगानी है और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। तो मेरे पास बड़ा मोती भी है और छोटा भी है, वो मैं आपको मेजरमेंट से बताऊँगी किस तरीके से आपको करना है। अब इसको हम, देखिए, मोती हैं ये, पहले हम डाल के देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको सीधा नहीं किया है, तो बाद में हम इसे जब सीधा करेंगे तो फिर उसके बाद फिटिंग नहीं होगी। तो देखिए, ये मोती एकदम फिट है इसमें,
मतलब ये मोती एकदम फिट है, लेकिन ये जो मोती है ये काफ़ी लूज है, आप देख सकती हैं, ये इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर आपको इतना बड़ा मोती लगाना है तो आपको एक सिलाई और लगानी होगी इसके ऊपर, ताकि ये मोती इसमें फिट बैठ सके। अब किसी पेचकस से या इससे सुई से इसको सीधा कर लेंगे, देखिए ऐसे सीधा करके पूरे कपड़े को हम अंदर करके बाहर निकाल देंगे। तो देखिए इसको हमने सीधा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंकर थ्रेड का यूज़ करेंगे। अब हम ये मोतियों को इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ से कपड़ा कट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कपड़ा यहाँ से उठा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा सेट करके डालेंगे, फिर वो आराम से अंदर चले जाएंगे। तो मेरे पास जितने भी मोती हैं वो मैं गले के बराबर ही इसमें डाल दूँगी। ये गला बनने के बाद में बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखिए एक एक करके मोती उठा रहे हैं हम और इसके अंदर सेट कर रहे हैं। तो देखिए हमने पूरे मोती इसके अंदर सेट कर लिए हैं। अब हम मोती को ऊपर लेके आएंगे और ऊपर से आर्म होल के अंदर खुलेंगे सुई को, ताकि जो इसका नॉट है वो अंदर ही दिखाई दे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा तीरे में जाएगा उसके लिए छोड़ के और फिर ऐसे घुमाएंगे इसको, देखिए, और एक बार सुई को निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ से हमने एक ऐसे नॉट लगा दिया। अब इस मोती को ऐसे पकड़ेंगे और सुई को नीचे से निकालेंगे, पीछे करके ऐसे, और इसके नीचे से निकाल देंगे इस तरीके से, और इसको भी हम ऐसे ही घुमाएंगे, देखिए, और फिर से ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें करना है। देखिए आप इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से फिर से एक दूसरा मोती लेंगे, उसको भी हम ऐसे ही पकड़ेंगे, और जो इसमें सलवटें आएंगी उससे इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। मतलब कि बिल्कुल आपको प्लेन नहीं करना है, हल्की हल्की सी सलवटें दिखनी चाहिए इसमें। तो देखिए इसको भी हम ऐसे करेंगे, और बाकी जो भी हमारा जितनी भी इसकी लेंथ है सभी को हम एक एक मोती करके इसको पूरा तैयार कर लेंगे। एक मोती लेंगे इस तरीके से, और देखिए यहाँ से ऐसे, फिर नीचे सुई निकाल के। बहुत ही ईजी है, मतलब जितना गला है उससे नाप के ही आप इसको तैयार करें। आप इसे स्लीव्स में भी लगा सकती हैं, मतलब जहाँ भी चाहें उसमें आप इसका डिज़ाइन दे सकती हैं। ये देखिए अब फिर से लेंगे एक मोती ऐसे, और फिर से बनाएंगे। फिर से घुमा देंगे, ये देखिए हमने इतने बना लिए हैं। बाकी के भी हम सेम बना लेंगे। धागे दिख रहे हैं वो अंदर की साइड चले जाएंगे जब इसे फिट करेंगे। तो देखिए पूरा हमने ये बना के तैयार कर लिया है। आप गले के ऊपर सेट करना बताएंगे हम आपको। सबसे पहले जो तीरे में आएगा उसको हम छोड़ देंगे, और ये हमने एंकर थ्रेड डाल लिया है। अब हम इसको ऐसे छोड़ के और पहले यहाँ से फिक्स कर देंगे इसको ऐसे, और ये फिक्स करना बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब बस सुई को नीचे से निकालना है, मतलब इसमें आपका सिर्फ 5 मिनट जाएगा। थोड़ा सा इसमें जब बनाते हैं इसमें भी नहीं लगता ज़्यादा टाइम, तो मतलब फटाफट हो जाता है, कितनी भी बड़ी बना लो ये। अब यहाँ से हम ऐसे जो आपके पास वेस्ट मोती हो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस सुई को नीचे से निकालते हुए जाना है, और जो हमारे ये डिज़ाइन है उनको ऐसे रखते हुए ऐसे, और बस इसको सुई को उसी मोती के ऊपर निकालते हुए जाना है, देखिए ऐसे। इससे क्या होगा कि धागा और डार्क हो जाएगा और लुक बहुत प्यारा आएगा। तो पूरे में सेट कर लेंगे हम इसको। तो देखिए मैंने पूरे गले में सेट कर लिया है। आप देख सकती हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है गले का। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।